मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। खुदा ने आज का एक और दिन दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। चलो अब आपको मिलते हैं हम बाद में। चलो दोस्तों, नहा लिया और खुशी ने देखो सब्जी बना दी है। किसकी बनाई है? किसकी बता दो। तू बता ना, बता इसे, जल्दी बता। खुशी तो आज बता, आपको खाना बनाती है खुशी आजकल। जैसे सब्जी बनाई है, आलू गोभी मिक्स वेजिटेबल बनाई है, और मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, सफाई भी करने लगे, काफी काम सीख रही है। और दोस्तों कल मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, वहां से मैं लाई सत्तू। और क्या सत्तू है? नहीं है, शैतूस। हाँ सॉरी, शैतूस, सत्तू। सत्तू का दिमाग में रहता है आजकल मेरे, तो मैं आपको शैतूस दिखाती हूँ। देखो कितने लाल लाल है, देखो। और मैं ना रात को तोड़े, मैंने पेड़ से पहले माफी मांगी, मैं कह पेड़ भी है मुझे माफ कर दे, पर मेरा सत्तू खाने का, सॉरी शैतूस खाने का बड़ा मन है। देखो शैतूस खाऊंगी मैं अभी, ये देखो कितने लाल लाल है। हम बच्चों में बहुत खाते थे, इतने ज्यादा खाते थे, इतने टेस्टी हैं। ये तोते होते हैं, तोते हमारे, मैं पार्लियामेंट में रहती थी, पार्लियामेंट जहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर बन गया अब तो, नया वाला। मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए। Yes. मैं बचपन से वही रही। और दोस्तों वहां पे इतने, मैंने शैतूत का पेड़ लगा रखा था, इतने तोते आते थे, मैं तोतों को देखती रहती थी, बहुत लगता था। अब तो वहां जा भी नहीं सकते हम, घुस भी नहीं सकते। और मैं शैतूत खा लूं, और खुशी ने बनाई सब्जी, और बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत टेस्टी है। जिस जिसने शैतूत खाए हैं वो प्लीज मुझे कमेंट में कहें कि उन्होंने भी खाए हैं शैतूत। मैं बाबा शैतूत को शैतूत बोलने लग जाती हूँ, क्योंकि आजकल शैतूत बहुत खा रही हूँ ना, तो दिमाग में वो शैतूत ही रहता है। तो ये देखो खुशी अब मतलब खाना पीना बनाने लग गए, तो मुझे इतना मतलब आराम मिल जाता है काफ़ी। तो उसने कहा था मम्मी मैं, मेरे पेपर ख़त्म जाएंगे तो मैं बनाऊँगी खाना, तो ये खाना बना रही है और बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई है। मीट वीट तो बनाती थी, और अब ये सब्जी भी बनाने लगी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त। तो दोस्तों चलो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। निकल निकल बाहर निकल, कहाँ गई? इसको खेलना है, हट जा। बेलू बेला, देखी 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 तर, ओए होए मारी चम्प इसने, उसको खेलने के लिए चाहिए। हट 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 जा, इधर इधर, हट हट इधर जा। दोस्तों आज मन कर रहा है चावल की और रागी की आटे की रोटी, तो ये देखो प्रेपरेशन हो रही है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, उसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया है। तो वैसे तो चूल्हे पे अच्छी लगती है रोटी, पर गर्मी आ गई है तो मैं चूल्हा भी जला लेती हूँ, पर मैंने कहा नहीं गैस पे बनाते हैं आज, तो गैस पे बना लेती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। तो दोस्तों आप लोग भी खाओ, थोड़ा सा इसमें हल्का सा अजवाइन भी डाल दूँगी। और ये सब्जी बन रही है हमारी। हाँ आप चाहो तो उसमें तिल भी डाल सकते हो, मैं तिल भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी अच्छी होती है तिल। देखो तिल भी हेल्दी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखो हम थोड़ा खाओ, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। तो दोस्तों आटा गूंद लेती हूँ, और इसका तवा गरम करने रख दिया है मैंने, तवा होता रहेगा गरम, इसको ऐसा हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हमारे घर में सबको पसंद है रोटी है, पर चूल्हे की हो तो और मज़ा आता, कड़क कड़क अच्छी लगती है।
रोटी वो क्या बना रहे हो? चीला जैसे बना रहे हो ना? नहीं 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 यार, रोटी बना रही चीला जैसे बना रही मैं। अब उसको पतला करना पड़ेगा तो मैं लेकर देना। नहीं नहीं नहीं, फिर बंद कर दिया? नहीं हाँ, चलने ऐसी हो नहीं। तो उसकी रोटी बना रहा, उस पर ना घी डाल के खाओ, बड़ी अच्छी लगती है। मैं ले बना दूँ ना? हाँ तो रोटी बना रही हूँ ना, रोटी नहीं देखना अच्छी लगेगी वैसे बनाऊंगी। तो उसको हल्का हल्का पानी डाल के भुना रखिए, एकदम से पतला हो जाता है। चलो रोटी बनते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तू बना रोटी फिर है? तू बनाएगी रोटी? क्या रोटी तू बनाएगी? समझाएगी ज्यादा फालतू में बोला कर, वीडियो बन रही है। गाइस देखो मम्मी का असली रूप, सबको पता है मेरा रूप, उसमें कहने की दिखाने की बात है। जो गलत काम है उसके लिए मैं बोलती हूँ, जगह के लिए बोल देंगे। देखो रोटी बन रही है, अभी दिखाएंगे जब बन जाएगी। चलो दोस्तों मैं खाना खा लेती हूँ। मेरा खाना क्या है आज देखो, मंडवे की रोटी। मैं आपको वैसे दिखाती हूँ, देखो थोड़ा सा बटर लिया मैंने और अपना सलाद पत्ता है, देखो सलाद पत्ता मैं ज़रूर खाती हूँ, और अपने मंडवे की रोटी, लेटस लेटस ये खाना चाहिए। देखो दोस्तों बहुत अच्छा होता है, जितना खाओगे उतना अच्छा होता है। तो खाना खाइए, मैं भी खाना खा लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो दोस्तों खाना पीना खा लिया है और नहा भी ली हूँ। तो आजकल तो शाम भी नहा लो सुबह भी नहा लो, अब तो गर्मी आ गई है, जितनी बार नहाओ उतनी बार अच्छा है। लेकिन आज दोस्तों खाना अच्छा लगा मेरे को ना, मंडवे की रोटी, मंडवा मतलब रागी का आटा, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो रोज़ बना दे, मैं तो रोज़ भी खा लूँ तो बहुत अच्छी लगती है, पर बनानी मुझे पड़ती है तो मैं बनाती ही हूँ, जब मेरा ज़्यादा मन करता तो बना लेती हूँ। तो आज एक मैम है वो बता रही थी, वो ब्लॉग देखा उन्होंने मेरा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि आप इतना अच्छा बोल रहे थे और गर्म पानी पीना बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ मैम, मैं तो जब भी खाना खाती हूँ उसके बाद चाय की तरह उसको गर्म गर्म सिप के करके पीती हूँ, बहुत अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वैसे ही बहुत अच्छा है। पहले जब पीती थी तो सूट नहीं करता था, लेकिन फिर मैं ज़बरदस्ती अपने आप को मैं पीती रही तो अब सूट करा और अच्छा लगा। चाहे आप जब चाहे चाय आप कितनी बार पीते हो वो हमारे शरीर को नुकसान है, है ना, लेकिन आप अगर गर्म पानी पीते हो जितनी बार पियोगे उतना अच्छा आपके लिए, बहुत बढ़िया, बड़ी से बड़ी बीमारी गर्म पानी ठीक कर देता है। तो मैंने मैम को बोला हाँ मैम मैं तो पीती हूँ जब भी खाना खाने के बाद, या दोपहर को भी अपना गर्म पानी लेके जाती हूँ और मैं खाने के बाद वो पीती हूँ। तो मैम बता रही थी कि आपने ऐसी बातें बताया करो, मैंने कहा हाँ मैम मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या हेल्दी चीज़ खा सकती हूँ, जो मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ और अपनी फैमिली को भी खिलाऊँ। एक औरत को ना अपनी फैमिली का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों आप ना एक लेडीज़ को एक ना मैंने सोचा, देखो मैं तो 12th नहीं कर पाई हूँ लेकिन मेरी बेटी करेगी, तो उसको मैं ये नहीं कि डाइटिशन कोर्स बहुत ज़रूरी कराऊंगी उसको मैं, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है वो, अपनी फैमिली के, ये नहीं कि हमें नौकरी करनी है, नौकरी मिल जाए तो ठीक है, अपनी फैमिली के लिए हमें क्या क्या उन्हें घर में क्या डाइट देनी है, क्या खाना देना है, क्या बीमारी के लिए क्या उसके लिए, वो बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी आपको करना चाहिए कोर्स ना, जैसे हमारे यहाँ पर होता है। मैं ये नहीं कि उसकी प्रमोशन कर रही ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। एक लेडीज़ को घर संभालती है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को ध्यान रखे। और आजकल तो हमारे वहाँ पर कॉलेज में इतने लोग आ रहे हैं जो इतनी एजेड लड़कियाँ, इतनी औरतें हैं जो डाइटिशनल कोर्स करें, क्यों सिर्फ अपने घर के लिए हो, है ना, कि हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को कैसा खाना दे सकते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि औरत घर को संभालती है तो वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। देखो मैं भी जॉब करती हूँ लेकिन ना मैं तो खैर नहीं कर पाई, मेरा बड़ा मन है कि मैं भी 12th कर लेती तो मैं भी डाइटिशन का कोर्स कर लेती, लेकिन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पुराने लोगों से इतना कुछ सीखी हूँ, है ना, कि मेरे जो पुराने जो रिश्तेदार थे, जो मेरी मम्मी तो कम, लेकिन जो मेरे जानने वाले उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ कि कैसे हमें खाना खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, क्या जड़ी बूटी होनी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब आ गया है, लेकिन पहले तो ना इतना यूट्यूब होता था। तो दोस्तों मैं तो हमेशा उनसे सीखती थी, मेरी एक आंटी थी वो जो अब नहीं है वो दुनिया में, आपको कितने बता चुकी हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ मैं।
और एक हमारे हैं, बहुत से मतलब मेरी जिंदगी में ना खुदा आपने बहुत अच्छे लोग दिए हैं, कम लोग हैं लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरे दिल से प्यार करते हैं, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखो मैं इस टॉपिक पे आ गई हूँ। कई लोगों की जिंदगी में अच्छे लोग नहीं थे लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और बहुत दिल से प्यार करने वाले लोग हैं और मुझे वैसे ही लोग चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे दोस्त बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हो, नहीं मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल चाहते कि लोग मुझे भीड़ की तरह प्यार करें, बिल्कुल भी नहीं। वो कम लोग हैं लेकिन वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से अच्छे वो लोग हैं मेरे पास, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खुदा आपने मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे प्यार करते हैं। ये नहीं कि दिखावटी प्यार, नहीं, मेरी परेशानी में वो खड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मैं उन्हें कभी नहीं भूलती हूँ, ना भूलूंगी उनको ना। तो जब भी जैसे उनके साथ कुछ होता तो मैं भागती हूँ, तो वो इतने अच्छे लोग हैं। मैं उनका क्या नाम लूँ, मैंने पहले भी नाम ले रखा है उन लोगों का, मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग हैं वो लोग। और जब भी कुछ बनी मैं तो मैं जो अगर उनकी हेल्प कर पाई तो ज़रूर करूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करूँगी, अगर खुदा ने मुझे कुछ और दिया तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। तो मेरा एक सपना है, मैं अपना सपना आपको अभी नहीं बताऊँगी, जब सपना थोड़ा सा स्टेज अगर मैं ज़िंदा रही तो, आजकल तो कहते हैं ना बहुत खट्टा कर लेते हैं सामान लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए, अगर मैं ज़िंदा रही तो वो अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगी दोस्तों, पर उसको अभी बताऊँगी नहीं, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी अभी, मैं बताऊँगी जब वो कुछ मेरे पास लगेगा कि हाँ वो मेरा सपना थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा है, मैं आपको तभी बताऊँगी उस सपने के बारे में। इसलिए अपनी लाइफ बहुत ज़रूरी है, अपना खाना पीना अच्छा खाओ, है ना, ये नहीं घसड़ा पसा सारा पेट में उगल दो, ये भी उगल दो वो भी उगल दो, नहीं, खाने को बहुत अच्छे से खाओ और अपने अपने ख्याल रखो। देखो मैं बड़ी कोशिश, जब से मुझे पता लगा है कि मैं कहाँ गड़बड़ी कर रही हूँ अपने खाने में, तो मैं वो चीज़ सोचती हूँ, वो उसे ध्यान देती हूँ कि मैंने क्या खाया आज और किस तरह से मुझे परेशानी हो रही है ना। तो दोस्तों मैं अपना खाने का बहुत ध्यान रखने लग गई हूँ, अच्छा खाती हूँ, कम खाती हूँ पर ठीक है खाती हूँ। तो इसलिए मैं अपना आप लोग को इसलिए कहती हूँ कि लेडीज़ को ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो पुराने ज़माने में लोग थे, उनको नॉलेज थी कि क्या कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा सीजन का खाना खाना चाहिए हमें ना। पहले लोग सीजन का खाना खाते थे, बे टाइम सीजन वाला खाना नहीं खाते थे, उससे बीमार हो जाते हैं लोग, क्यों बीमार हो जाते, तो बीमार हो रहे हैं। तो कल मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, उस दोस्तों वहाँ से मैं लेके आई ताज़ा बैगन, और जहाँ सब्जियाँ लगी होती है ना मेरा मन करता अभी तोड़ लो अभी तोड़ लो, तो मैंने वो बैगन तोड़े, मैंने फटाफट तीन बैगन लगे होते, मेरी बहन के लिए पहली बार मतलब उस पेड़ पर वो फल आया था, पहला फल मेरे को मिल गया, तो मैंने वो तोड़ लिया और सुबह मैंने उसकी सब्जी बनाई। मैं आपको बता नहीं सकती इतनी टेस्टी सब्जी, मुझे ना पहाड़ों की याद आ गई, मुझे हिमाचल की याद आ गई, क्योंकि जब मैं हिमाचल जाती हूँ तो वहाँ ताज़ा ताज़ा सब्जी खाती हूँ, इतना टेस्टी लगती, कुछ नहीं डालते उन लोग कुछ भी, इतना ताज़ा खाना होता है ना कि कई बार मेरा मन करता बस मैं वहीं रह जाऊँ, लेकिन जब भी जितने दिन में रहते हैं वो लोग बहुत अच्छा खिलाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। वो बैगन इतने टेस्टी बने हैं ना, बहुत मज़ा आ गया उसे खा के। चलो दोस्तों खाना पीना भी हो गया, इतनी सारी गप्पे मार दी मैंने आज आपको, लेकिन अब मैं बाबा ही कहूँगी अपना खाने का प्लीज़ ध्यान करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना प्लीज़। जो आपके माँ बाप जो औरतें होती हैं, मैंने देखा पढ़े पढ़े लिखे लोग भी समझदार नहीं होते, मैंने देखा है उन्हें नहीं पता मैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, अपनी फैमिली को क्या देना है। इसलिए अगर जब ये चीज़ें आ गई हैं, ये कोर्स आ गए हैं, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को सीखो कि अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक लेडीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं हमेशा मैं बात करती होती लोगों से जो मेरे पुराने हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों प्लीज़। और रात को ना हो सके ना हल्दी वाला दूध पिया करो, थोड़ा सा पियो लेकिन पियो जो हल्दी वाला दूध, बहुत बढ़िया होता है सेहत के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं गुड नाइट, और ज़िंदा रहे तो मैं ज़रूर आपको मिलूँगी, ज़रूर बात करूँगी आपसे, और बहुत बहुत प्यार आप लोगों का, इतना प्यार आपने मेरे को दे रहे हैं उसका प्यार बहुत बहुत शुक्रिया, तो उस प्यार के लिए आपके लिए दोस्तों बाय बाय करती हूँ, गुड नाइट करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।